बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग शाम है. अवार्ड्स तो बहुत सारे होते हैं बट एक्चुअली लायंस की तरफ से मुझे हर साल अवार्ड मिलता है. सो ये मेरा 9th लायंस गोल्ड अवार्ड है और मुझे ऐसा कहा गया है कि फेवरेट सिंगर ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिल रहा है. तो सडनली मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़ी हो गई हूँ. आई एम रियली ग्रोन अप बिकॉज इट्स बीन लिटरली 10 इयर्स और पूरे साल में सोचती रहती हूँ कौन से गाने के लिए मुझे अवार्ड इस साल मिलेगा. आई एम रियली रियली हैप्पी. हर गाना स्पेशल होता है. हर गाना एक सिंगर के लिए स्पेशल होता है. पर चाहे वो गुंडिया हो, पहला नशा हो, एक दो तीन हो, याद है हो, हर गाने को बहुत सारा प्यार मिला है. सो आई थिंक वो प्यार लोगों का सबसे बड़ा होता है. ये टायर मेरी मॉम ने डिज़ाइन किया है. वही मेरी कपड़े डिज़ाइन करती है. शी हैज़ अ ब्यूटी कॉल्ड अमिता क्रिएशंस. कौन सा लगा. और जब आपके काम को सराहा जाता है, दिस ईयर हैज बीन एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी. वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द लायन क्लब, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है. व्हेन दे रिकॉग्नाइज यू इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एंड एक्टिंग को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है. अच्छा, मेरी कभी हॉलीडे ख़त्म हुई है लंदन. थोड़ा आराम तो करने दो मुझे. बस मैं आराम करके आई हूँ. बट आई विल कैच अप ऑन अ लॉट ऑफ टीवी शोज आई वांट टू वॉच. सॉरी, आई एम वेयरिंग नालंदा भंडारी. आई बीन स्टैंड बाय सृष्टि. डिफरेंट लग रही हूँ मैं आज बिकॉज बहुत ही आप बताइए मैं कैसी लग रही. बस फिर थैंक यू वेरी मच. पता नहीं, नेवर से नेवर. मेरा इंक्लिनेशन फिल्मों की तरफ इतना झुकाव है नहीं. बट कभी क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते. आई थिंक दैट कॉन्टेंट राइट नाउ ऑन टेलीविजन इज़ ऑल्सो अमेजिंग. फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, जैसे अंधाधुन बधाई हो, मैंने अभी हीरा जी को देखा. आई मीन सच ग्रेट कॉन्टेंट. सो यू नेवर नो यार. बट मेरा पहला प्यार टी वी है, देर इज़ नो डिनाइंग. सारी चीज़ें अभी बता दो. अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा तो वेट. हाँ, इंतजार. अच्छा, आप प्रोजेक्ट I will wait for it and let's go. Thank you. Thank you very much. मैं अकेली नहीं, मेरे पूरा परिवार प्रेजेंट है यहाँ पे. हम लोग लायंस क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं आर्मी के वॉर विडोज़ के लिए जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं.
उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे पति कर्नल अशोक चोपड़ा के नाम से है, दिया जा रहा है। तो आज 5 को दिया, पिछले साल 5 को दिए थे। तो हम सब इस इवेंट पे आते हैं और पुरजोर सपोर्ट करते हैं। ये पूरे हमारी फैमिली है। आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा आने वाले दिनों में और हम क्या काम देखेंगे? लाइन्स क्लब के थ्रू भाई, इनके हर स्टेप कदम के साथ हम कदम मिला के चलते हैं, तो जो जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं सब में हम शरीक रहते हैं। The journalists know more about it than I do. But please let us know when she'll be back, and because you have a production. She's coming back to shoot Sky Spring, so she'll be here. And any new announcements from your production house that can you hear? You'll have to wait for that. We'll call you. किस तरह की फिल्में होंगी आपके production में? बहुत ही अथेंटिक होती है जितना मैंने देखा है तो। अभी इस साल भी हमारे 4 films गए, हाँ, festivals पे गए, अभी national award के लिए select हुए। देखो गॉड विलिंग अगले साल के भी हमारे मतलब 19 के लिए भी अच्छे प्लान हैं। 7th प्रियंका टू स्टार्ट हर फैमिली सून और यू वांट टू एंजॉय सम टाइम? ये मैं कैसे बताऊं? आपको इंतजार रहता है मतलब पहले मेरा नंबर है यार हमेशा खुशी होती है जब आपको नॉमिनेशन मिलता है। Really excited. I hope I win it. मैं इन दोनों को विश कर रही हूँ ऑल द बेस्ट एंड आई होप इन दोनों को अवार्ड मिले और शो को भी मिले ऑल द बेस्ट। पहला अवार्ड मेरा पहला अवार्ड आई थिंक माइन वाज गोल्ड अवार्ड और मुझे बहुत खुशी हुई पहली बार अवार्ड आया। उससे पहले मुझे नॉमिनेट हुआ लेकिन मिलता नहीं था। पहला अवार्ड मिला था आई वॉज रियली हैप्पी एंड इट्स अ गुड फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है आपको, आपकी मेहनत के लिए आपको सराहा जाता है, तो आपको इट्स मोटिवेटिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग। सॉरी मुझे भी बहुत सारे अवार्ड मिल गए हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, सेम बोलता है। हैंडसम लग रहा हूँ? थैंक यू। दैट्स अ नाइस नॉर्मल 2 बटन ये तैयार हो गया ये बहुत। बताओ अपनी लुक के बारे में, किसने तैयार किया? मम्मा ने तैयार किया। कितना टाइम लगा तैयार होने में? मुझे आपसे तो कभी टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगाते हैं, 1 hour ऑलमोस्ट। नथिंग इज जस्ट अ सिंपल कॉटन साड़ी एंड आज एक्चुअली ज्यादा तैयार होने का मन नहीं था but I think sari is always do the best so I'm just being very simple. आपको ज़रूरत ही नहीं तैयार होने। Oh thank you. चलो कम आज मम्मा। Hi how are you?
won't say that because I'm feeling relieved, but thanks to Indomol and Kalash for having given me such a great opportunity. So here at Lions, I think I'm honored on the Silver Jubilee, that 125th year. Getting nominated is a great feeling, and I really hope everybody gets an award. So I just keeping my fingers crossed that I also win something. भगवान की कृपा से क्रिकेट भी हम लोग सारे टीवी में ही देखे हैं तो हमें टीवी में ही हो टीवी में था टीवी में हो टीवी में रहेंगे तो थैंक यू सो टीवी इज ऑलवेज बीन वेरी लकी फॉर मी आई हैव वॉच सचिन तेंदुलकर ऑन टीवी एंड दैट्स व्हाई आई टुक अप क्रिकेट सो उसके बाद टीवी में कंटिन्यू करना आई थिंक इट्स थैंक्स टू माय आर्टिस्टिक फैमिली क्योंकि मम्मा से लेके पापा मेरी सिस्टर माय इवन द फ्यूचर द नीज इज ऑल्सो इन टू मूवी सो entertainment has been good to me, so I am very happy that I am part of this lovely industry. It is something which is unforgivable. It's you cannot undo what they have done, but I really hope they learn from their mistake ASAP, and a lot of things have been said and done. So I think they already got the punishment and all that. And I just hope by the time World Cup is happening, they are an integral part of the team. And I really hope and wish them all the very best for the future, because I just generally hope, if they get an opportunity to play, I think they deserve to be back in the team. But what they said is unforgivable, but I think the PCC will take a right decision. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी फाइव में और आई थिंक मेरी एक्टिंग के बारे में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अभी स्क्रिप्ट नरेशन वगैरह चल रहा है नया लाइफ है और मेरा साउथ का एक मूवी भी रिलीज़ हो रहा है अगले मार्च में तो आई एम रियली एक्साइटेड तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड आई एम श्योर अवार्ड्स लाइक दिस विल मोटिवेट मी एंड योर नेम ओके दिस इज श्री सानविका Say I love you all. I love you all. Yeah, I love you. Bye. I know they mentioned. Come. But Yeah. These are nominated awards. I don't know, man. Congratulations. Chama, charismatic performance. Can you keep something? What do you say about what's your feeling? Well, मैं बहुत बहुत grateful हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ये award मिल रहा है. I'd like to say like a big thank you to Mr. Kumar Turani, Kavita, and everyone at Tips Music, and Prakash Jasur, and everyone. For the love that the song has got, I'm just very very grateful and thankful for that. And बहुत सारे लोगों ने आपके चमा चमा song को try भी किया है. Then सबको क्या कहना चाहेंगे? What to say about? Sorry. बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद जैसे मैंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल दैट पीपल आर लविंग द रिक्रिएशन ऑफ दिस बिग बिग आइकॉनिक सॉन्ग और मैं इतने सारे वीडियोस भी देख रहे हो इतने सारे लोग हैं जो इतना अच्छे डांस वीडियोस बनाते हैं कोरियोग्राफ करते हैं ऑन छम्मा छम्मा इट्स Amazing, मतलब I'm loving it. मतलब रोज में देख रहे हो नया नया वाले वीडियोज जो बहुत अच्छे है सो आई एम वेरी हैप्पी आई बीन ट्रैवलिंग इन फैक्ट आज ही आया मैंने इंडिया में और wherever I've traveled now, people have loved this song like how non-Indian people. So that's amazing. So yeah. Sorry, kya? Karan Johar had said a while back that he doesn't want to make item numbers anymore because they show women in a very bad light. But your song has got so much of a message. Do you agree to it or do you have a different perspective on it?
I feel it's how you look at it, right? I mean, I love to embrace myself, and I love to show myself in different kind of sides. So, you know, I don't see any, you know, I don't see any, what do you say, like, you look beautiful. Wrong in that. Oh my God. Thank you so much. You're looking handsome. Thank you. I just wanted to hear that. That's why I said. Oh, okay. No, let up. Yeah, so, I mean, I don't know. I haven't looked at it like that. Yeah, because I just love myself and I love to, you know, portray myself in different ways and show myself in different ways, express myself in different ways. So, yeah. But I know where he's getting from. But yeah, I just, yeah, this is what I feel. Okay, so regarding this, like I said, I just came back to India and I have been getting messages from journalists who's been asking me regarding this and I had no idea what they were talking about. But then I have seen certain footage and yeah, how he has spoken, and I just think it's very sad. I got a little bit surprised because that's not really the Hardik Pandya I personally once used to know. But yeah, I think it's great that people are reacting and putting their foot down on this kind of behavior, because I think it's about time we all realize that this kind of mentality is not cool. Neither is it something to brag about. I mean, we are living in 2019 and women are now having a voice to speak up for themselves, and they are not tolerating to be disrespected or looked upon as an object. So yeah, I mean, that's what I believe. I think it's great. And on terms of what is happening, from what I read, they are getting suspended, right? I mean, I just feel when you get an opportunity to represent your country, it's a really big privilege to get that, and it shouldn't be taken lightly. I believe, because by the end of the day, the youth that is our next generation are actually, they are watching and learning from their idols. So that's all I have to say on this. Left, right, left. Acha, pehle left, because main lefty hu. Okay, sorry, hi guys. It's too much. Yeah. Uh,
इट्स एक्चुअली वेरी स्पेशल बिकॉज मैं नॉमिनेटेड हूँ एंड ऑनेस्टली जब मैं बिग बॉस के लिए जा रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वहाँ कितना सर्वाइव कर पाऊँगी बिकॉज मुझे लगता था कि आई एम नॉट फॉर बिग बॉस. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग, जर्नी बहुत अच्छी रही है एंड लेट्स फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट अवार्ड जो आपको मिलता है वो हमेशा बहुत स्पेशल रहता है एंड मेरे लिए अभी जो मुझे लास्ट मिला था द 50 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ महाराष्ट्र, उसमें मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आई वॉज शेयरिंग द स्टेज विथ अ लॉट ऑफ लेडीज दैट आई लुक अप टू. सो या दुनिया कितनी बदल चुकी है, एक्चुअली ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो मैं अभी भी बाहर की दुनिया को अडैप्ट करने में लगी हुई हूँ बिकॉज आई एम स्टिल अ लिटिल लॉस्ट दैट हाउ डज दैट टू यू. बट नहीं, कुछ नहीं बदला है. आई थिंक वो हर बदलाव सिर्फ आपके नज़रिए में होता है. तो मेरे हिसाब से मैं अपने घर से गई थी और अपने घर वापस आई हूँ तो नथिंग इज चेंज्ड, इट्स द सेम. He had also done that in inside the house और मेरा और उनका बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था तो इस बात से मैं हमेशा उनसे झगड़ती हूँ because it is not that, it is I think Big Boss and all the reality shows are especially Big Boss is a show जहाँ जनता आपका real side देखती है, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो ही आप आगे जा पाते हो and I still feel the same. I think I just want to thank all our fans for showering so much of love because this year, beginning from last year, but this year especially has been really great. So thank you, all of y'all, I mean all the fans. Thank you. Any? Nothing as of now. I'm hoping and praying something comes up soon. आप लोग भी pray करो. Okay. Sorry. Thank you. Sorry. I have to leave. हाय हेलो नमस्ते. सचिन मुझे पता नहीं. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अवार्ड्स गिफ्ट होते हैं, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझे गिफ्ट मिल जाए और ना मिले तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए. तो ये अच्छी बात है, इट्स गिफ्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर द लव.